हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं उठी हूँ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। सब जो है सो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी, उसके बाद घर का काम करूँगी और उसके बाद मुझे जाना है कहीं आज। तो कहाँ जाऊँगी वो तो आगे आपको पता ही चलेगा। ब्लॉग पे गाइस सब बने रहना। और मैं धीरे बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि सब जो है गाइस सो रहे हैं। मैं भी अभी जस्ट उठी हूँ तो मेरी आँख देखिए सूजी है। तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ और अभी नाश्ता बनाने के बाद फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रीज में क्या क्या सब्ज़ी है। तो ये देखिए सीम है, तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आलू सीम की सब्ज़ी। तो अभी इसे कट कर लेते हैं। ज्योति बहन अभी तक नहीं उठी है क्योंकि उसका छोटा बेबी है तो रात को परेशान करता है। कभी कभी वो लेट उठती है बट उठ ही जाती है मेरे साथ और मेरे साथ ही साथ करती है काम। वो आटा गूंथती है, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो एक एक करके काम जो है ऐसे ख़त्म हो जाता है, हम दोनों मिलजुल के करते हैं। देखिए सब्जी भी मैंने धो लिया है। कढ़ाई पे पहले सरसों का तेल डाला था, उसके बाद जीरा डाल के टमाटर को फ्राई कर लिया और उसके बाद जो है सब्जी को डाल दिया, सीम और आलू और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालने के बाद सब्जी के साथ मिला के फ्राई कर लूँगी और उसके बाद लास्ट में पानी डाल के अच्छे से पका लूँगी और सूखा सूखा सब्जी बनाऊँगी सीम की। तो ऑलमोस्ट गाइस मेरी सीम की सब्जी बन के रेडी है। तो सूखा सूखा सीम की सब्जी बनाया है, रोटी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो ज्योति बहन जो है रोटी बेल रही है और मैं सेक रही हूँ। तो ऐसे ही जो है दोनों मिल बांट के करते हैं काम और काम कैसे ही हो जाता है पता ही नहीं लगता। और जल्दी जल्दी करके काम को निपटाते हैं। उसके बाद देवर जी भी 7:30 बजे ऑफिस जाते हैं तो उन्हें भी देना है। तो थोड़ी देर में हमारी रोटी भी बन जाएगी। तो देखिए किचन भी साफ़ हो गया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ज्योति बहन चाय बना रही है देवर को देने के लिए क्योंकि देवर 7:30 बजे जो ऑफिस जाते हैं और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। गाइस घर का ऑलमोस्ट सारा काम करने के बाद मैं सुबह का नाश्ता करने के बाद नहा धो के हो गई रेडी। तो मैंने आपको कहा था कि कहीं मैं जाने वाली हूँ तो बट अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। तो गाइस मैं जा रही हूँ रियान को एडमिशन कराने के लिए दिल्ली में ही। तो अभी जो है हम लोग दिल्ली में ही रहने वाले हैं तो दिल्ली में ही रियान को एडमिशन कराएंगे। तो पहले जो है मेरी बड़ी ननद गई थी, स्कूल का थोड़ा सा पता वता किया और फॉर्म लेके आई थी। तो फॉर्म जो है हम लोग भर के आज जा रहे हैं रियान को एडमिशन कराने। और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे करना पड़ेगा जाके। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है दिल्ली के स्कूल में रियान को एडमिशन कराने जा रही हूँ। और गाइस मन में जो है एक अलग ही खुशी हो रही है क्योंकि रियान स्कूल जाएगा, मैं उसे सुबह उठाऊँगी, उसको रेडी करा के फिर भेजूँगी। फिर एक जो है डेली रूटीन में भी रियान आ जाएगा, उसे पढ़ाना भी है, ट्यूशन भी भेजना है और स्कूल भी भेजना है। तो बहुत जो है बिजी होने वाली हूँ मैं आगे। और हैं जिम्मेदारी सही में गाइस बढ़ने वाली है क्योंकि एक तो घर की जिम्मेदारी है ही ऑलरेडी और उसके बाद बच्चे का भी आ गया है अब जिम्मेदारी। और यहाँ पे देखिए रियान को अभी तक मैंने तैयार नहीं किया है और उसकी चाची बैठी है और हमारे काबिज पापा भी बैठे हैं। अभी काबिज को मालिश कराने भी आंटी आ जाएगी और अभी हम जा रहे हैं। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी और आज ससुराल में आके फर्स्ट टाइम जो है सूट पहनी हूँ। साड़ी पहनती हूँ तो अच्छा ही लगता है बट बहुत दिन के बाद सूट भी पहनी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कल लाइव आई थी आप लोगों को कम्युनिटी पे, पहले पोस्ट करके नहीं बताई हूँ उसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी और लाइव जब भी आऊँगी पहले कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। किस टाइम पे लाइव आऊँगी मैं वो भी बता दूँगी तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाओगे और मैं आप लोगों से बात कर पाऊँगी मन भर के। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे आप बने रहना और आगे आगे जो भी होगा आपको पता चलेगा। गाइस हम लोग जो है आ गए रोड पे और गाड़ी का वेट कर रहे हैं और पास में जो है एक ननद देख रहे हो, ये हमारे घर के पास ही रहते हैं और उनका भी बेटा है तो उनको भी एडमिशन कराना है अपने बेटे का। तो चलिए ऑटो में बैठ गए हैं और दो ननद भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बट अच्छे से नहीं दिखा पाई, दूर से मैं वीडियो बनाई थी तो उनसे भी मिलाऊँगी आपको। मेरी एक सगी ननद भी है उसमें से और दो ननद जो है पड़ोसी ननद है। तो देखिए गाइस स्कूल
स्कूल में आ गए हैं और कितना बड़ा स्कूल है। तो ये मेरी जो सगी ननद है ना, मेरी बड़ी ननद, और हमारे भतीजा जो है इसी स्कूल में पढ़ता है। तो इस स्कूल में जो है और एक ननद है, वो थोड़ी सी हेल्दी सी है, आपने देखा होगा। उनकी लड़की की एडमिशन यहाँ पे कराना था उन्हें, तो उनके साथ हम लोग आए हैं। पहले उनकी लड़की की एडमिशन कराने, फिर जो है अपने बेटे की एडमिशन कराने जाएंगे। तो स्कूल देख के तो मैं गाइस हैरान हो गई थी, बहुत ही बड़ा स्कूल था। तो गाइस आप देख पा रहे हो, रियान जो सामने खड़ा होकर देख रहा है फीस, और उसके पास जो एक लड़की है उसका नाम है अनाया, और ये पड़ोसी ननद की बेटी है। तो इनका ही एडमिशन कराना है आज इसी स्कूल में, और रियान का स्कूल दूसरा है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बच्चे जो है बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, और मेरी ननद जो है ये पिंक कलर के सूट में है, और ये मेरी सगी ननद है, बड़ी ननद है मेरी। और ये गाइस रियान का स्कूल आ गया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है स्कूल के अंदर का है, तो थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। स्कूल का दूसरा ब्रांच ये है, तो रियान जो है वहाँ पे केजी तक पढ़ेगा, उसके बाद जो है इसी स्कूल में आएगा, इसी स्कूल में उसका ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे 1 से लेके 12 तक स्कूल है, और ये भी स्कूल जो है बहुत ही बड़ा है। फिर जो है गाइस बच्चों को भूख लग गया था, फिर हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया बच्चों के लिए, तो बच्चों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, और यहाँ पे बच्चों ने पिज़्ज़ा खा के बहुत ही मस्ती किया। और उसके बाद मैं आ गई थी घर स्कूल से, तो स्कूल से घर आते वक्त लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक और समोसा मम्मी के लिए और ज्योति के लिए। तो सबको दिया खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसा, मम्मी ने और ज्योति ने खाया, और रियान आके उसके भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसे कि कल्पना ने आपको बताया होगा कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए मैं वीडियो में आ भी नहीं रहा था। तो कल्पना ने मुझे बताया कि बहुत दिनों से आप वीडियो पर आए नहीं हो, तो आज एक वीडियो बना लो आप भी। मैंने चलो, तो मैं अभी जस्ट ऑफिस से घर पहुँचा हूँ। घर पे पहुँचते ही कल्पना ने मुझे बताया घर पे सब्जियाँ नहीं है, सब्जी जाके मार्केट से ले आओ। तो इसी बहाने वीडियो भी बना लेना आप। मैंने चलो बहुत दिनों से वीडियो में भी नहीं आया, तो आपसे बात भी कर लेता हूँ। अभी फिर मैं जा रहा हूँ सब्जी मार्केट, सब्जी ले आता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, ठीक है? ओके। तो गाइस अभी हम सब्जी मार्केट पहुँच चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं सब्जी लेना। देखो पीछे दिल्ली का ट्रैफिक देख रहे हो आप, और इसकी इधर ना मछली मार्केट भी है अपना, या फिश मार्केट भी है, ये रहा फिश मार्केट भी है। तो हमने यहाँ से लिया है फिश, क्योंकि मम्मी को जो है ज़्यादा पसंद है फिश, तो हमें फिश लेने आना पड़ा गोविंदपुरी, और यहाँ से हम जाएंगे अभी सब्जी लेने के लिए। तो आप गाइस ब्लॉग पे बने रहना। और फिश मार्केट में आते ही हमें एक नया सब्सक्राइबर भी मिला, उसने हमें देख के पहचान भी लिया। हाँ। और उसने बाकी फिश भी हमें काफी डिस्काउंट में भी दिया है। गाइस दिल्ली में आप कभी भी जो है बाहर निकल जाओ, हमेशा आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही। परमल भैया, परमल सो गाइस सारा सब्जी जो है हमने खरीद लिया है। अभी हम लोग जा रहे थे घर, तो अभी रुके हैं एटीएम पे, क्योंकि हस्बैंड के पैसे उठाने के लिए आए हैं। कल जो है रियान को स्कूल पे भी छोड़ना है, और रियान का जितना भी मतलब बुक और ड्रेस वगैरह है वो सारे जो है कैश से मुझे लेना है, तो इसीलिए हस्बैंड जी आए हैं पैसे उठाने के लिए। पैसे लेके हम लोग जाएंगे घर, और उसके बाद घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। खाना बना के फिर मैं सोऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ गाइस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी ज़रूर करना, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मैं अपने बिजी लाइफ से आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ, फिर एडिट करके आपके लिए डाल भी रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा आपकी कमेंट पढ़ के। और हस्बैंड जी आ भी गए होंगे पैसे लेके। तो कल जो है रियान को 7:30 बजे स्कूल भेजना है, तो बहुत बड़ा हेडक है मेरे ऊपर, तो जल्दी जल्दी सुबह उठना भी है, उसे तैयार भी करना है, और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी सबके लिए बनाना है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल सुबह
नेक्स्ट वीडियो में और हस्बैंड की के साथ। आप सबको करते हैं हम बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम, बाय।